वो तीन मछलियाँ, तीन आई है माशाल्लाह। ये रास्ता जो है बहुत खतरनाक है, यहाँ से मुझे नीचे जाना है और गिर भी रही हूँ मैं। ये पत्थर जो है ना यहाँ पर इसलिए रखे हुए हैं, यहाँ पर सैलाब आया था तो इस वजह से पानी को रोकने के लिए जो है ना ये पत्थर लगाए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जो आए हुए हैं ना ये दरिया के अंदर घर है। तो माशाल्लाह से जो है मैं नीचे उतर गई हूँ और यहाँ का व्यू देखें कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है और साथ में जो ये बेलियाँ भी लगी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने जमान में रखे जी। तो आज मैं आई हुई अपने रिश्तेदारों के घर पर और दरिया के अंदर उनका घर है और ये पत्थर वगैरह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो सैलाब आए थे, इस वजह से जो है ये लगाए गए थे क्योंकि सैलाब से बच सकें। और ये पीछे का हमारे व्यू देख सकते हैं, मंजर कितना पुरसकून और कितनी खूबसूरत जगह है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, इतना जो है ना पुरसकून सी, कोई दूर दूर तक देख सकते, कोई घर भी नहीं है दूर दूर तक, सिर्फ एक घर है जो कि हमारे रिश्तेदारों का घर है, वो भी वहाँ पर घर है बस, उसके अलावा और कोई भी घर नहीं है यहाँ पर। तो ये भी दरिया के अंदर घर है उनका। तो आप सबने जो है ना कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लग रहा है ये व्यू और कितना खूबसूरत ये मंजर है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। माशाल्लाह से आज हम आए हुए हैं अपने रिश्तेदार के घर, जिनका घर है दरिया के पास ही है, क्योंकि जब दरिया बहता है ना उनके घर के पास ही पानी गुजरता है, दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं वो। और हमने कहा क्यों ना हम आपके साथ ये व्यू भी शेयर कर दें, बहुत ही अच्छा हमें तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करें। और मछलियाँ भी इसके अंदर यूँ वो जाल लगे हुए, मछलियों के लिए जाल लगे हुए हैं, पता है यूँ मछलियाँ आ रही हैं और ऊपर से यूँ पानी की पक हो रही है, आवाज़ आ रही है आवाज़ यहाँ से भी आई, आवाज़ यहाँ से भी आई। और मैंने कहा शाम से अगर मैं यहाँ से गिर जाऊँ तो फिर क्या होगा, तो कह रहे हैं बहुत नीचा है ये दरिया है, क्योंकि ये दरियाए सिंध है, ये दरियाए सिंध है, नीचा है यहाँ से, गहरा बहुत है ज़्यादा, ये काफ़ी बड़ा दरिया है, ये बीच में कभी कोई खुश्क भी आ जाते हैं, जब पानी होता है ये मुकम्मल पानी भरा हुआ आता है, जगह खुश्क नहीं होती, कोई भी जगह खुश्क नहीं होती जब पानी का जोर होता है। ये खूबसूरत जगह है, मैं तो आपके साथ कैमरे में कुछ भी इतना शेयर नहीं कर पा रही जो कि आपको इतना पता नहीं साफ क्लियरली नज़र आए या नहीं आए, लेकिन जो यहाँ का माहौल और इतनी पुरसकून सी जगह है ना, कितना खूबसूरत। और ये तो सिर्फ दरिया का किनारा है और आगे जो है ना वो असल मेन दरिया जो है ना जहाँ से पानी का बहाव है ना वो क्या नाम है उस इससे थोड़ा सा आगे, वो कोशिश ये करेंगे कि आपके साथ शेयर कर पाएँ अगर नहीं कर पाए तो, लेकिन ये तो लाजमी करेंगे क्योंकि हमारे रिश्तेदारों का घर है यहाँ पर, हम यहाँ हुए आए हुए हैं, ये किनारा है और किनारा देखें कितना बड़ा किनारा है, बहुत ही बड़ा। इंशाल्लाह कश्ती में बैठने की भी कोशिश करते हैं, कश्ती में भी बैठें वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप चलते हैं अपने रिश्तेदारों के घर पर। रिश्तेदारों के घर पर आई हुई और बाहर खड़ी हुई, साथ में जो है ना बकरियाँ भी हैं और अभी अजान भी जो है ना बज गए, अजान का जो है ना पाँव अभी वो जो नहीं होता कीचड़ जो होता है जो उसका उसमें जो है ना जाता ही जा रहा था, वो उसके अंदर ही जाते रहते हैं, शाम ने उसको खींचे इतनी ज़बरदस्ती जो है ना वो अजान निकला, बहुत ज़्यादा ये परेशानी बनी। और अभी जो है ना बाहर खड़ी हुई वहाँ पर देख सकते हैं हल जो है ना लगाया जा रहा है, ज़मीन को सीधी कर रहे हैं, तो यहाँ तक जो है ना पानी होता है, कह रहे हैं कि यहाँ तक पानी होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये गर्मियों में जो है ना यहाँ तक पानी होता है ये पूरा, और सिर्फ ये जो है ना घर है ना ये बचा हुआ होता है, और ये घर देख सकते हैं कि मतलब ये पूरा जो है ना कच्चा घर है पूरा। तो मैंने कहा कि आप सबके साथ जो है ना पूरा शेयर करूँ व्यू यहाँ का, और इतना कोई पुरसकून सी जगह है ना यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। मछली का कह रहे हैं कि मछली खाएँ आप, मछली जो है ना हम अभी निकालते हैं, तो लेकिन जो है ना मछली के लिए ये है कि ना उन्होंने वो लगाए हुए हैं ना कुंडे लगाए हुए हैं, तो मच्छी को देखा भी इन्होंने कि लेकिन वहाँ पे मच्छी भी नहीं फंसी, तो वो कह रहे मछली फंस जाती तो फिर मच्छी की दावत करते हैं। तो हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपने कहा, हमें दिल से कहा बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो बस ये कि मैंने आपके साथ जो है ना मैंने कहा थोड़ा बहुत ये शेयर करती हूँ, अब चलते हैं घर की तरफ। तो निकलते हैं अभी अजान के जो है ना ये परेशानी बन गई, अजान मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ जहाँ पर अजान फंस भी गया है,
तो ये देख सकते हैं घर जो है उनको बिल्कुल कच्चे कच्चे से घर है। और ये दिखाएं जी आप, इसमें जो है ना गाय भैंसों के लिए जो है ना यहाँ पे चारा डाला जाता है। माशाल्लाह से ये भी कच्चे बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे बने हुए हैं ये भी। तो ये भी अपनी हाथ की मदद से जो है ना इन्होंने बनाए, कि भी ना गाय भैंसों के लिए जो है ना ये मसला ना हो खाने में, नीचे नहीं फेंके इनको, इसमें जो है ना ये रखकर और ये आराम से सुकून से खा सके। तो सारा पूरा घर देख सकते हैं कच्चा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो बस अब जो है ना घर की तरफ चलते हैं और आपके साथ जो है ना आगे का शेयर करते जाते हैं कि हम कहाँ और कैसे आए हुए हैं, कैसा कैसा रास्ता है, आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आप सब ने साथ बने रहना है, वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं करना, और जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जी। तो एहतशाम जो है देख सकते हैं मच्छी को पकड़ने, तो देखते हैं क्या हाथ में आता है इनके मछलियों। यहाँ से पानी जो है ना थोड़ा गहरा है ये, वाह मछली है, वो तीन मछलियाँ, तीन आई है माशाल्लाह, छोटी छोटी सी तीन मछली दिखाए, ये तो फदक रही है, छोटी 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 सी हैं ये, छोटे तो बच्चे आए हैं छोटे, इन बच्चों को आप वो नहीं करें ना, छोड़ दें ना, छोड़ दें इनको, ये बड़े हो जाएंगे फिर जी। तो अजान कह रहा है कि ना मछलियों को जो है ना साथ में लेके जाए। अजान बेटा नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं बेटा नहीं, छोड़ दो ये, छोड़ दो आप अपने हाथ से डाल दो ना, गुनाह मिलेगा मम्मा। तो देखो पानी में ना, ये पानी डालें इसमें, देखें पानी में कैसे इनको सांस आ रही है, पानी में इनकी सांस आ रही है, पानी ये देखें पानी है मम्मा, इसमें पानी हो तो फिर वो मर जाएंगे, कैसे खड़ी है ये देखे, तैर रही है, पानी में तैर रही है। और अजान अभी बिल्कुल पूरा जो है ना फंस गया था, ये देखें इसकी ये दलदल में, जिसको कहते हैं ना दलदल, वो जगह भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत मुश्किल से निकला है अजान, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं करते, आप अपने हाथ से बेटा डाल दो, गुनाह मिलेगा ऐसे, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे बेटा, आप खुद अपने हाथ से डाल दो, इधर दरिया में डाल दो, डालो आप, अच्छा बच्चा मेरा बेटा, ये इसको मछली को दरिया में डालो, हाँ नहीं अपने हाथ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, देखें ये देखें कैसे खुद ही जाएगी अपने हाथ से, छोड़ दें सर, छोड़ दें बिस्मिल्लाह, वो देखें वो जा रही है, तैरती हुई जा रही है, जाने दे जाने दे, नहीं करें आप, ओ भाग जाने दे, जाने दें बाबा, एक चले गए, जाने दें, क्यों आप उसको तंग कर रहे हैं, जाने दें उसे, अब नहीं आती हाथ, जाने दें। तो ये तो जो है ना कश्ती जो है ना चलती है जनरेटर से, इसका जनरेटर इसलिए उतारा हुआ है क्योंकि इसका पानी जो है ना दरिया का कम हो गया है, तो इस वजह से जो है ना इसका जनरेटर उतारा हुआ, नहीं तो इसके भी झूले खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता। अजान बेटा नहीं जाओ आप गिर जाओगे। तो ये भी जो पानी रुका है ना, ये भी बहुत गहरा पानी है कह रहे हैं। तो अजान वाली जगह दिखाते हैं जहाँ पे दल दल है, वो उसमें अजान घुसता जा रहा, अंदर ही अंदर जा रहा। तो बस मैं तो परेशान हो गई, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सकी, बहुत मुश्किल से इसको निकाला हमने, बड़ी चलो अजान दे, ये देखो इसको जंप लगा दिया, चले हाथ दें मुझे, आप हाथ दें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलो ये है कि यहाँ की मिट्टी जो है ना बहुत अच्छी है, पोचे वगैरह देने के लिए ना सफ़ेद सफ़ेद चिटा चिटा घर निकलेगा जी। तो ये अजान जो है ना, ये देखें जी इधर फंसा था यहाँ पर, ये एहतशाम के पाँव लगे हुए हैं, एहतशाम ने जो है निकाला बहुत मुश्किल से, और मैं भी जाती जा रही हूँ, ये देखें कितनी नरम कोई जगह है, ये देखें जी पाँव मेरा दिखा, ये देखें डर, दुआ डरती बहुत है, आखिर डर ज़िंदगी तो अपनी सबको ही प्यारी है, लेकिन मेरी आज की जो ये वीडियो है ना बिल्कुल आखिरी होने वाली थी, क्योंकि मैं गिरने वाली थी वहाँ से जो है ना, एहतशाम ने जब मुझे पकड़ा हुआ था कि मैं धक्का लगाऊँ आपको वहाँ से, तो ये कि एहतशाम वहाँ से मुझे धक्का लगाने लगे थे, तो मेरी ये वीडियो जो है ना आज की आखिरी थी, आखिरी। ये देखें कितना पानी इसमें जा रही है, देखें बिल्कुल, तो ये पानी अभी सूखता जा रहा है ना, आप सब ने जो है ना, बेटा आराम से इधर, मैं मुझे हाथ दो, मुझे हाथ दो,
इसको देखो किस तरह से भाग रहे हैं। चलो भाग, अजान तो चैन हो गया। बस इसके लिए आपने ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक शेयर ज़रूर करना है। और आपने मेरी सांस से अंदाज़ा लगा भी लिया होगा कि वहाँ से आना बहुत मुश्किल मेरे लिए हो गया है। और ये कि आज ही मेरी वीडियो इसलिए थंबनेल और टाइटल मैंने लिखा है, और आपने बैड कमेंट बिल्कुल नहीं करने क्योंकि ये वाकई में मेरी वीडियो जो है ना आखिरी ही थी। क्योंकि मैं जब यहाँ से गिरती ना, मैंने अपनी मौत को करीब से देखा बहुत ज़्यादा, बची हूँ मैं वाकई में। पत्थर जो है ना पीछे से जल गया, अच्छा हमने मुझे पकड़ लिया। तो ये यूँ और मेरी सांस ऐसी हो रही है। बस अब जाते हैं घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सांस उठ गई है, कस्सी से जो है मैं पाँव धोने लगी क्योंकि पाँव सारे जो है ना ख़राब हो गए थे। क्या हाल हो गया पाँवों का, हीटर चल रहा है और कस्सी में जो है ना पानी आ रहा है। खेतों में पानी जा रहा है जी, खेतों में पानी आओ। देखो बग बैठे हुए माशी में, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गांव का माहौल बहुत ही प्यारा लगता है। तो माशाल्लाह से हमारे गांव का माहौल देखें कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। ये हम अपने गांव आए हुए हैं और अब हम जा रहे हैं घर।